कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अभी हाल ही फिलहाल में जो मुद्दा स्कैम है वो काफी ज्यादा बीजेपी ने उठाया था और इस मुद्दा स्कैम को लेकर ही सिद्धरमैया कर्नाटक हाई कोर्ट में तक चले गए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। और अब बीजेपी के साथ साथ टीएमसी ने भी उनसे अब इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इंडी गठबंधन है। इस गठबंधन में अगर आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस सब एक साथ है, लेकिन मुद्दा स्कैम मामले को लेकर अब टीएमसी के ही नेता कुणाल घोष ने सिद्धरमैया से इस्तीफे की मांग कर दी है, जिसके बाद अब गठबंधन में फूट की खबरों ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। और अब इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, इंडी गठबंधन है, इस गठबंधन का पार्ट टीएमसी कांग्रेस दोनों है, लेकिन मुद्दा स्कैम को लेकर अब टीएमसी के नेता भी सिद्धरमैया से इस्तीफा मांग रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, टीएमसी के लीडर जो हैं उनका साफ कहना है कि आपने बंगाल की घटना का कह दिया, बंगाल में जो एक डॉक्टर ट्रेनी महिला के साथ रेप हुआ है उसके लिए राहुल जी ने बोल दिया कि सरकार जानी चाहिए पीड़िता के साथ। तो उनका कहना है ठीक आपने बोल दिया, परंतु आप इतने उससे बहुत बड़ा घोटाला है जो कर्नाटक में है मुद्दा वाला, उस पर आप कुछ कीजिए। उसमें आपके जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया जी उसमें दोषी पाए गए, और वो इतना बड़ा घोटाला है कि गरीबों की ज़मीन को किसानों की ज़मीन पे, और सिद्धरमैया जी, सिद्धरमैया की पत्नी या उनके बेटे ने काफ़ी कुछ उसमें अवैध रूप से कब्जा कर लिया। हाँ, लेडीज जांच हुई, इनके खिलाफ़ FIR हुई, ये बाकायदे दोषी हैं, इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, हाई कोर्ट चले गए। तो उनका कहना, कुणाल घोष जो है उनके राज्यसभा सांसद, कि ये जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो ये पहले अपने उसका इस्तीफा ले लें, फिर हमारी बात करें। और आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी बात ये है कि खुद भ्रष्टाचार में इनके लोग, पूरी पार्टी आकंठ में डूबी हुई है, ये लोग बेल में चल रहे हैं, इनकी माता जी भी हेरल्ड घोटाले में कई सौ करोड़ रुपए के हैं, और आपको बता रहे कर्नाटक में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला है जिसमें सिद्धरमैया इन्वॉल्व है। सिर्फ एक घोटाले की बात हो रही है, तमाम घोटालों में सिद्धरमैया जी का नाम, उसको नहीं हटा रहे हैं, वहाँ की सरकार के लिए नहीं सोच रहे, दूसरी जगह उपदेश दे रहे हैं। यही पोजिशन इनकी हिमाचल में, हिमाचल में इनकी सरकार है, तेलंगाना में अभी सरकार आई, वहाँ पे भी भ्रष्टाचार के, मतलब कुल मिला के राहुल गांधी अपने भ्रष्टाचार के लिए नहीं, और मोदी जी को बोलेंगे चोर है, चौकीदार चोर है, ये सब कहेंगे, और खुद जो है इनको जहाँ जहाँ की चौकीदारी दे दी उस वहाँ पे चोरी नहीं डकैती जैसी पोजीशन है, ये खुद नहीं बोलते हैं। इनके पिताजी बोफोर्स की दलाली में उनका बाकायदे नाम था, बाकायदे उन्हीं के मंत्री, केंद्रीय मंत्री बीपी सिंह ने बताया था। तमाम ऐसे मामले राहुल गांधी हर एक पे आरोप लगा रहे हैं, मगर अपनी ओर नहीं लगा रहे हैं कि अपने उसमें खुद ये कहें कि जो इनको चौकीदारी मिली है उसमें चोर नहीं, भी एक प्रकार से डकैती जैसी पोजीशन है, और ये चोरों के सरदार हैं। ये बात उन्होंने, यही बात कुणाल घोष ने कही है कि इनको अपने खास तौर से वहाँ के लिए छोड़ना चाहिए, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांगे। और आपको बता रहे हैं मोदी जी ने भी कभी कहा था ये ATM इन्होंने बना रखा, कोई आरोप लगाते हैं तो वास्तव में हकीकत है, जब भी कोई देश की सरकार पे आरोप लगाते हैं तो ये सच है, मोदी जी ने ATM कहा था, वास्तव में पैसा मिलता है विदेशों से, जाल सोड़े से, तमाम उससे। आपको बता रहे हैं कि इसके प्रूफ भी पाए गए कि बाहर से काफ़ी फंडिंग होती है, काफ़ी पैसा मिलता है वास्तव में ATM का। ये लोग, अगर कोई देश कमज़ोर होगा तो विदेशियों को फ़ायदा रहेगा, इसीलिए आर्थिक मंदी का, अभी हिडन वर्ग भी आपको बता रहे हैं सीधे ओपन तौर पे पैसा बांटती है, मंदिरियों का संगठन है, ये उसकी पैरोकारी करते हैं ये राहुल गांधी। तो कुल मिला के अगर मोदी जी ने जो ATM वाली बात कही थी वो भी सही है, दूसरा सिद्धरमैया जी को ये क्यों नहीं ममता को हटाने की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा क्या है, कलकत्ता पीड़ित के पक्ष में कांग्रेस को भारी पड़ा है, या ये जो पोजीशन है इस समय इनको भारी पड़ा है क्योंकि इन्होंने पीड़ित का पक्ष लिया, इंडी गठबंधन के नेता के रूप में इन्होंने कही। ये इंडी गठबंधन के नेता नहीं है, इंडी गठबंधन बिल्कुल टूट चुका है, TMC भी साथ नहीं लड़ा था इनके साथ, आप समझ लें, तब भी इंडी गठबंधन के नेता के रूप में इन्होंने क्या ब्लैकमेलिंग की है, कहा है पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए।
और उन्होंने कहा पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी जगह आरोपी को बचाया जा रहा है, उसकी जगह आरोपी को बचाया जा रहा है। टीएमसी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां सड़कों पे उतरे हुए हैं। और आपको बता रहे टीएमसी ने इनका ज़बरदस्त विरोध किया। टीएमसी ने यह कहा कि आप खुद क्यों नहीं अपने उससे इस्तीफा ले रहे हैं। इसके अलावा आपको बता रहे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कि मैं इस असहनीय पीड़ा को पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। ये राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस असहनीय पीड़ा में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ और मैं हर कीमत में पीड़िता को न्याय दिलाना चाहता हूँ और दोषियों को सज़ा दिलाना चाहता हूँ, और ऐसी सज़ा मिले कि एक उदाहरण पेश हो जो पूरे देश में हो, इतनी कड़ी सजा हो। इन्होंने कुल मिलाकर सरकार की बुराई की और उन्होंने कहा कि न्याय बचाने के उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उल्टा प्रयास सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा ये हो रहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनको बचाने का ये हो रहा है। ये राहुल गांधी ने कहा। अब राहुल गांधी को कायदे से वहाँ जाना चाहिए, इनके पास बड़े बड़े सरकार वकील हैं, एक से उसमें जो पीड़ित पक्ष है उसको लगाना चाहिए, पीड़िता पक्ष से बात करनी चाहिए। वहाँ अगर ये जाए वहाँ जा कर के अनशन कर दें या धरना दे दें तो आपको बताना है ये बहुत बड़े नेता, मगर ये नहीं कर रहे हैं, ये हवा हवाई बात कर रहे हैं। तो कुणाल घोष ने यही कहा राज्यसभा सदस्य ने टीएमसी के कि ठीक आप कह रहे हैं, आप अपने यहाँ इनको सिद्धरमैया जी के लिए बोलना चाहिए, 6,000 करोड़ रुपये का वो इस आदमी ने घोटाला किया, उसकी बीवी ने किया, और आपको बता रहे डीके शिवकुमार के ऊपर भी कई घोटाले के आरोप है। ये अपने घर पर नहीं देख रहे हैं, हर एक को बदनाम कर रहे हैं, ये राहुल गांधी का पैसा हो गया। बड़ी दुखद बात यह है कि सूप बोले, ऊपर से छलनी बोले, जिसके 72 छेद, कहना नहीं चाहिए 100-100 चूहे खा के बिल्ली हंस को चले, मगर ये बिल्ली की जगह बिलौटा हो जाना चाहिए कि हजार हजार चूहे खा करके हजार हजार बेइज्जती सह करके बिलौटा जो है वो कहाँ चला, चूहे नहीं वो चला भ्रष्टाचार की ओर चला। तमाम ऐसे मामले राहुल गांधी हर एक पे आरोप लगा रहे हैं मगर अपनी ओर नहीं लगा रहे हैं कि अपने उसमें खुद ये कहें कि जो जो इनको चौकीदारी मिली है उसमें चोर नहीं भी एक प्रकार से डकैती जैसी पोजीशन है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुद्रा स्कैम जो है बड़ा स्कैम है और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले में बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है, और यही कारण है कि बीजेपी के साथ साथ अब टीएमसी भी इस मामले में राजनीति जो है, अगर आप कहेंगे कि एक मौका तलाश रही है, और अब टीएमसी के नेता भी खुलकर इस मामले को लेकर अब कांग्रेस की सरकार के विरोध में आ चुके हैं और सिद्धरमैया का इस्तीफा मांगते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।